एग्जामिनेशन उसके अंदर भी पूछा गया था और ये पंजाब बोर्ड के अंदर भी हमारे पास पूछा जा चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन लगातार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड आपके पास यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। और साथ ही साथ बता दूं आपके स्कूल के प्रैक्टिकल में एक आपका एक्सपेरिमेंट था ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट, ये वहां पर भी यूज होगा, वहां पर टीचर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हमारे पास इसमें सिचुएशन पे हमारे पास यहां पर सिचुएशन क्या है, इफ ध्यान से समझना, इफ दे ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चे एंड दिस स्क्रीन, और मेरे पास यहां पर स्क्रीन, एक ऑब्जेक्ट और मेरे पास स्क्रीन इज फिक्स्ड, इनको बच्चे हमने फिक्स कर दिया बच्चे एट डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस कैपिटल डी, समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके थोड़ी दूर मेरे पास यहां पर एक स्क्रीन आ गई, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ मेरे पास स्क्रीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास फिक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ना स्क्रीन हिलानी है और ना ही आपने यहां पर ऑब्जेक्ट हिलाना। जब तुम स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो स्क्रीन आपका रेटिना होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वहां पर एक पेन होगा, नहीं तो जैसे ये मार्कर आपको, जैसे ये मार्कर का बच्चे बैक साइड नजर आ रहा है ऐसा वहां पर बच्चे आपके पास क्या लगाई जाएगी कि नीडल लगाई जाएगी और इन दोनों के को आपने बिल्कुल फिक्स कर देना। और टीचर क्या करेगा, टीचर इसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा लगवा देगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करो कि वो ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास कैपिटल डी क्या हो गया, कैपिटल डी डिस्टेंस क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फिक्स। अब ये डिस्टेंस डी मेरे पास यहां पर फिक्स हो गया, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, वी कीप अ मूवेबल लेंस, मैं यहां पर एक मूवेबल कन्वेक्स लेंस को इसके बीच में प्लेस करता हूं, वी कीप अ मूवेबल लेंस बिटवीन दीज टू का मतलब ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, मैं एक मूवेबल कॉन्वेक्स लेंस को इसके बीच में रखता हूं और देखो अब होता क्या बच्चे, फॉर टू पोजिशन ऑफ द लेंस, लेंस की दो पोजिशन के ऊपर आपके पास क्या होता है, वी गेट दिस शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, हमको एक शार्प इमेज मिलती है, वी गेट दिस शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, हमको स्क्रीन के ऊपर क्या मिल जाती है, एक शार्प इमेज बन जाती है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, लेंस की दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए, क्योंकि लेंस आपके पास यहां पर मूव कर सकते हैं। नाउ इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस, मेरे पास इस आपके पास लेंस के दो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, लेंस के दो अलग अलग पोजीशन, ये एक ही लेंस है जिसको पहले आपने L1 पे रखा फिर आपने L2 पे रखा, ये दो डिफरेंट लेंस नहीं है, ये पोजीशन नंबर वन है, ये लेंस के आपके पास पोजीशन वन है, फिर इसी लेंस को आप यहां पर दूसरी पोजीशन पे लेके आ गए, ये लेंस के मेरे पास पोजीशन नंबर दो है, ये पोजीशन नंबर वन, ये पोजीशन नंबर टू, और इन दोनों पोजीशंस के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे आ रही है, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस इज स्मॉल डी, देखो इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, देखो ये रहा स्मॉल डी का डिस्टेंस, ये रहा स्मॉल डी का डिस्टेंस, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगर
तो आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, और अगर आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करना, आपने प्रूफ करके बताना किसी को, तो फिर बच्चे हमको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, हमको यहाँ पर इसके अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। जरा चेक करते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पर ये लेंस जब इस पोजिशन पे था, ये लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है। जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है वो क्या करती है, वो हमारे पास दूसरी तरफ इसके फोकस में से क्रॉस होके यहाँ पहुंच जाएगी। दूसरी पोजीशन को इस वक्त इग्नोर करना है, ये नहीं सोचना है कि लाइट इसमें से सीधी कैसे निकल गई, ये भी लेंस था, लेंस की ये दूसरी पोजीशन, और दूसरी लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से होते हुए ये इमेज यहां बन जाएगी। ये लेंस आपके बाद आपके लिए पहली बार इमेज बना रहा है, आई बन गई इमेज, और फिर हमारे पास यही लेंस जब आगे चला जाता है फिर दोबारा ये ही ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट, ये देखो ये लेंस को मैं थोड़ा आगे ले गया, ऑब्जेक्ट वही, स्क्रीन वही, लेंस को आगे धकेल के लेके गया, यहां पर जब लाइट पहुंचेगी तो क्या करेगी, ये दोबारा से आपके पास बेंड होकर यहां पहुंच जाएगी, और यहां से आकर एक और लाइट ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए यहां पर दोबारा फिर से इसकी इमेज बना देगी। तो ये लाइट आपके पास दोबारा से इमेज बन, क्या ये दोनों इमेजेस का साइज डिफरेंट है कि सेम है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंट है। साफ पता लग रहा है कि इमेज आई वन इज ग्रेटर देन इमेज आई टू, तो लेंस की इन दो अलग अलग पोजिशंस के ऊपर आपके पास सेम ऑब्जेक्ट की सेम स्क्रीन पे दो अलग अलग इमेजेस बन गई, और लेंसेस को आपने डी डिस्टेंस से धकेल दिया, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी के बराबर है। सिर्फ इन चीजों को दिमाग में रखते हुए मुझे क्या निकालनी है कि इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है जिसको मैं मूव करवा रहा हूं, इसको न्यूटन मेथड भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, इसको करना कैसे, जरा इसको समझने की हम अगर कोशिश करें तो बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। ये मेरे पास एक लेंस, सपोज कि मेरे पास यहां पर आपके पास ये लेंस इस वक्त ऑब्जेक्ट से एक्स डिस्टेंस दूरी पे, तो ये ऑब्जेक्ट से आपके पास एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ऑब्जेक्ट स्क्रीन से कितने डिस्टेंस की दूरी पे, तो आप बोलोगे सर कैपिटल डी के डिस्टेंस की दूरी पे। इमेज कहां पर बन रही है, तो आप बोलोगे सर इमेज तो स्क्रीन के ऊपर बन रही है। तो बताओ आपकी जो इमेज है और जो आपके पास लेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है। ये लेंस का मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इमेज, तो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज का बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, बोलो शाबाश। तो ये मेरे पास आ गया डी माइनस एक्स आ गया, बिल्कुल यही तो चीज है। यहां पर अब एक्स वेरिएबल, बताओ कैसे वेरिएबल एक्स, सोच के बताओ, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू एक वक्त बच्चे हमारे पास बहुत कम होती है, देखो ये एक वक्त में ये एक्स की वैल्यू बहुत कम है, और यही लेंस जब आगे चला जाता है तो इस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर मेरे पास एक्स एक बार कम है और एक बार आपके पास ज्यादा, तो ये एक्स मेरे पास क्या हो गया, नोन हो गया कि अननोन हो गया, तो हमारे पास ये अननोन है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा 1/v किसके बराबर है, जरा बताओ 1/v का मतलब 1/d - x। पीयूष इसको बच्चे हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे, और हमारे पास माइनस ऑफ u को क्या लोगे, तो आप सर माइनस एक्स लेंगे। क्यों माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि लाइट यहां पर चल रही है और हम डिस्टेंस यहां मेजर कर रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव आ गया, माइनस एक्स आ गया। अगर देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू 1/f। अब जितने बच्चे मैथ्स के हैं उनको यहां पर क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में मुझे थोड़ी सी हेल्प करवानी पड़ेगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 1/f। बताओ इसका एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा, तो एक्स इंटू डी माइनस एक्स, ऊपर बच्चे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक्स
प्लस ऑफ डी माइनस एक्स, ये तो बटरफ्लाई मेथड है, ये तो कोई भी बच्चा जानता है, एंड वन अपॉन एफ, x से x क्या हो गया, ये सर कैंसिल हो गया। अगर मेरे पास x से x कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, जरा f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डी और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो एक्स डी माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। बताओ अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स डी और प्लस ऑफ एफ डी। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं सुशांत, ऐसी इक्वेशन गर्व क्या कहलाती है, कुलताज क्या कहलाती है, ये क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं हमारे पास, दो। तो हमारे पास यहां पर ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में सीबीएसई पूछती है, नहीं तो इसका प्रूफ पूछती है कि आप ये दो पोजीशंस बताइए कि कहां कहां पर लाइक करती है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ध्यान से समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई बच्चा बता सकता है इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, शाबाश बताओ, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बच्चा बताए इसके रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे। तो हमारे पास एक रूट हो जाएगा एक्स वन, डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है ना बच्चे आपके पास, तो डी ये बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ बी एंड प्लस आपके पास और अंडर रूट ऑफ, नहीं तो आप इसको एक्स टू कर लीजिए और अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एफ कैपिटल डी अपॉन टू। बताओ दूसरा रूट क्या आएगा शिवम, दूसरा रूट क्या आएगा, डी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एफ डी अपॉन टू, दो पोजिशंस हैं। अब बात कुछ समझ में आ रही है, अब आपको बात यहां पर कुछ समझ में आ रही है बच्चे, कि मैंने यहां पर इसके जो दो रूट्स लिए हैं वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में आपको यही चीज बताना चाह रहे हैं जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे बताओ, कि हमारे पास यहाँ पर लेंस के दो पोजीशंस हैं, एक जो हमारे पास x1 है जहां पर इमेज बनती है, और एक पोजीशन हमारे पास क्या है x2 जहां पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस तैयार होती है स्क्रीन पे, एक x1 और दूसरा x2। तो मेरे पास x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, d माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ मेरे पास d स्क्वायर माइनस फोर एफ कैपिटल d अपॉन टू, ये मेरे पास पहली पोजीशन आ गई, ये मेरे पास लेंस l1 पे रखा हुआ है, और x2 बच्चा हमारे पास क्या आ गया, d अब l2 पे रखा हुआ है प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस फोर एफ d अपॉन टू। यहां पर लेंस को मैंने किस पे रख दिया बच्चे, L2 की पोजीशन पे रख दिया, यहां पर मैंने लेंस को L2 की पोजीशन पे रख दिया। अब देयरफॉर लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, जरा बताओ लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, लेंसेज के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है हमारे पास, स्मॉल d। तो कोई बच्चा बता सकते हैं यहाँ पे d की वैल्यू का मतलब किसके बराबर होगा, कोई भी बच्चा, ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1। सोच के देख लो, यहां पर मैंने लेंसेस को दो पोजीशन पे रखा हुआ है, लेंसेस के इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस d के बराबर, अगर पहली पोजीशन मेरे पास x1 है और दूसरी पोजीशन x2 है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये d किसके बराबर होगा, तो ये d किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1। तो d is equal to x2 minus x1। अब थोड़ी सी मैथ्स और चाहिए आपको, यहां पर मेरे पास x2, तो d plus of under root of d square minus of 4fd upon 2 minus of ब्रैकेट लगा लीजिए, और फिर हमारे पास यहां पर अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, d minus of under root of आपके पास आ जाएगा d square माइनस ऑफ फोर एफ डी, डी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एफ डी अपॉन टू। इसको सॉल्व करोगे तो डी बाई टू से डी बाई टू कैंसल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस फोर ए डी प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन फोर एफ डी, तो ये टू और ये टू, ये वन बच जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एफ डी।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर आप इन दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आपके सीबीएसई के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला बन जाएगा। स्क्वेयर कर देंगे, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4fd। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4fd इज इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी स्क्वेयर, और इसकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस अब आपके पास आ जाएगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी इक्वल टू, ये फाइनल आंसर मेरे पास आएगा, आपके पास फाइनल आंसर है एफ इज इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन बच्चे हमारे पास 4d। अब जो बच्चा ज्यादा लोड नहीं ले सकता कि सर मुझे ये डेरिवेशन में लास्ट में याद कर लूंगा, तो कम से कम वो ये फॉर्मूला तो याद कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी आपके स्कूल के अंदर भी पेपर अनाउंस हो जाएंगे और फिर वहां पर बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 4d। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर 2 से 3 बार बच्चे रिपीट हो चुका है 2000 के बाद, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो बार बार रिपीट किया जाता है, पहला काम। इसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। दूसरा काम, अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई पॉइंट आपको दोबारा क्लियर करना है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। है कुछ नहीं है, लेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल रहे हैं। टीचर आपको दो चीजें देगा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस और लेंसेज के बीच के दोनों पोजिशन के बीच का डिस्टेंस, और आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी। उल्टा भी हो सकता है, टीचर फोकल लेंथ दे दे और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दे दे लेंस के दो पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस के बीच के सेपरेशन बताने, तो ऐसा क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं। पहले बताओ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बच्चे? ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? पहले बताओ, हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? तो फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाऊं कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यस सर। चलिए अब बच्चे हम यहां पर देखते हैं कि आपके सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन कैसे आया था और उस क्वेश्चन को हमने हैंडल किस तरीके से करना, चेक करते। तो अब मेरे पास ये पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था सीबीएसई आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2016 और आउटसाइड दिल्ली, ये 2016 आउटसाइड दिल्ली के अंदर पूछा गया था। द स्क्रीन इज प्लेस्ड, क्वेश्चन एग्जैक्टली लिख रहा हूं, दिस स्क्रीन, जो हमारे पास स्क्रीन है, इज प्लेस, जो स्क्रीन है उसको प्लेस किया गया एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट से इसको 100 सेंटीमीटर पे इसको प्लेस कर दिया बच्चे। We have the the lens at different location. The lens at different location, different locations separated by 20 centimeter, separated by 20 centimeter, separated by 20 centimeter, separated by 20 centimeter forms the different images, forms the different images. ये हमारे पास different images आपके पास form करता है। Calculate focal length of the lens. Calculate the focal length of the lens. आपको इस lens की क्या निकालनी है बच्चे? Focal length निकालनी है। You have to calculate the focal length of the lens. Answer, solution. मेरे पास यहाँ पर capital D किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर। स्मॉल डी किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर। निकालनी क्या है बच्चे? फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर अपॉन बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 4।
आपके पास इंटू डी, तो ये हमारे पास फोर इंटू कैपिटल डी आपके पास आएगा। सो दिस इज फोर इंटू हमारे पास यहाँ पर कैपिटल डी। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। तो मेरे पास 100 का स्क्वेयर माइनस ऑफ 20 का स्क्वेयर और 4 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास यहाँ पर 100। तो ये हम अगर सॉल्व करते हैं बच्चे, सो दिस कम्स आउट टू बी 19.7 सेंटीमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, या तो फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा बोलता है। देखो जब तक सीबीएसई नेक्स्ट गाइडलाइन जारी नहीं करती है तब तक बच्चे मान के चलो सब्जेक्टिव पेपर है, और इसका प्रूफ वेल विद इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, दो रूट्स बनाकर, उनको सब्ट्रैक्ट करके आपको फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए, और ये फॉर्मूला नहीं तो बच्चे याद तो होना ही चाहिए। किसी ना किसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास पूछा गया था, 2008 के अंदर। ये बच्चे 2008 सीबीएसई, और ये फॉरेन कंट्री के अंदर भी बच्चे इसके एग्जाम होते हैं, वहां पर पूछा गया था। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अ स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, एक स्क्रीन और ऑब्जेक्ट है बच्चे, located at 80 centimeter। ये 80 सेंटीमीटर पे located है बच्चे, and for two different positions, और मेरे पास दो different positions पे, for the two different position at 10 centimeter separation two different images are formed, दो different images आपके पास form हो रही है। Calculate focal length of the lens हो जाएगा question solve, शुशांत हो जाएगा question solve लड़के, हो जाएगा शुशांत, हो जाएगा। अब तो बड़ा आसान है। अब आसान क्यों है, क्योंकि अब आपको पता है कि फोकल लेंथ का मतलब क्या है, कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। यहां पर कैपिटल डी कितने के बराबर है, 80 का स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल डी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 4 इंटू कैपिटल डी यानी कि 80। तो मेरे पास अगर मैं सॉल्व करता हूं 6400 माइनस ऑफ 100, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 320। तो ये मेरे पास 6300 अपॉन मेरे पास 320, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास, कुछ आपके पास यहाँ पर इसका सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते, हो जाएगा बच्चे, क्लियर है सुशांत, कर लोगे बच्चे इसको, सुशांत कर लोगे बेटा, यस और नो, तब आगे चले। चलो सो ये हमारे पास एक और मेथड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलना नहीं, और प्रैक्टिस अपनी मेंटेन करके रखिए, प्रैक्टिस के बगैर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और यहां पर आप अपने आप की रेगुलरिटी चेक करते रहिए, ठीक है, रेगुलरिटी अब आप अपने आप की चेक करते रहिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी किसी किस्म का डाउट है बच्चे, तो हेजिटेट नहीं करना है, आपको मैसेज कर देना है, आपको बच्चे कॉल कर देनी, आपने किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी कि सर ये डाउट आ रहा है, ये मेथड हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर हम उसका इलाज ढूंढेंगे। अगर आप बीमारी नहीं बताओगे तो इलाज बच्चे हम ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक। सो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाती है, वी हैव द केस ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर बच्चे हम यहां पर क्या देखते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
तो मेरे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले बच्चे मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए, और वो सबसे पहली चीज जो कॉन्सेप्ट है बच्चे उसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल। हम किसी भी चीज को जब देखते हैं बच्चे तो वो चीजें हमको बड़ी या छोटी नजर आती हैं। जैसे स्टार्स मुझे बड़े नजर आते कि छोटे नजर आते, तो आप बोलोगे छोटे नजर आते। क्या स्टार उस वक्त छोटे हो जाते हैं कि वो बच्चे हमें छोटे नजर आते? तो आंसर है सर, वो हमें छोटे नजर आते। जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हो तो दूर पे आपको जो भी कोई ट्री नजर आता है उसका हाइट, उसका साइज आपको छोटा नजर आता है। इसका कॉन्सेप्ट विजुअल एंगल से रिलेटेड है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की वजह भी ये थी कि हम विजुअल एंगल को बेटर कर सके। एक्चुअल में हमारी जो आईज हैं वो एक अलग तरीके से देखती है, हमारी जो आईज हैं वो आपके पास बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को परसीव करती है। जैसे यहाँ हमारे आईज का आपके पास रेटिना है, हमारे पास आईज का रेटिना किसी भी चीज का हमारे आईज के ऊपर एक विजुअल एंगल तैयार करते हैं। कैसे? सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर लोकेटेड है, और एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत पास लोकेटेड है। चेक कर लेते हैं। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बहुत पास लोकेटेड है, ये देखिए ये हमारे पास है, तो यहां से हमारे पास जो लाइट रेज आएंगी वो बच्चे इस तरीके से रेटिना को क्रॉस करके हमारे पास पहुंचेंगे, ये हमारे पास पहुंच जाएंगी, और यहां पर मेरे पास इसका एक विजुअल एंगल तैयार होता है। ये एंगल तैयार होता है, ये विजुअल एंगल है, और ये हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कितना बड़ा। लेकिन ये एक बात बताओ, यही चीज अगर बहुत दूर चली जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी हुई है, एक कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी हुई है, आपको क्या लगता है कि इसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? हमारे आईज के ऊपर इसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है हमारे आईज के ऊपर कि कम हो जाता है? बताओ, शाबाश। तो इसका विजुअल एंगल हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका विजुअल एंगल हमारे पास कम होता है तो हमको इसका साइज बड़ा नजर आता है कि छोटा नजर आता है? तो आप बोलोगे सर, इस बड़ी चीज का साइज छोटा नजर आ रहा है, और जो पास रखी हुई छोटी चीज है उसका साइज मुझे बड़ा नजर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे? सुशांत, पॉइंट समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा था? क्या अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं बच्चे, आप देख रहे हैं ना, मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूँ, तो मेरी आंखें क्या बनाती है? विजुअल एंगल तैयार करती है। मतलब कि बेस मान लो कि ये मेरे पास है और एक विजुअल एंगल तैयार करता है, तो जो चीज जितने मेरे पास होगी उसका विजुअल एंगल उतना बढ़िया होगा, उतना बड़ा होगा, और हम उसके एग्जैक्ट साइज को देख पाएंगे। यही रीजन है कि कल को अगर कोई बच्चा आपको ये बोलता है, कोई छोटा बच्चा बोलता है कि भैया ये बताओ कि दूर जो प्लेन है, एरोप्लेन है, वो छोटा हो जाता है, और जो नीचे रनवे पे एरोप्लेन है वो बड़ा नजर आता है, ऐसा क्यों? तो आप उसको समझाओगे ताकि ये विजुअल एंगल का कमाल। जैसे बच्चे आप किसी बिल्डिंग से बहुत दूर होते हो तो आपको बिल्डिंग क्या नजर आती है? ऐसे कि लोग खिंचवाते ना फोटो है, वो कुतुब मीनार के ऊपर ऐसे हाथ रख के, ताजमहल पे ऐसे रख के, वो फोटो कैसे खिंच जाती है? या बच्चे मून के ऊपर ऐसे हाथ रख के, वो विजुअल एंगल का कमाल होता है कि वहां पर विजुअल एंगल बहुत छोटा है तो वो सारी की सारी फोटोग्राफ एक जगह पे आती है। आपका विजुअल एंगल कैमरे के सामने बड़ा होता है ना, और बच्चे उस चीज का क्या होता है? छोटा। तो वो कंपेरिजन के अंदर बच्चे हमारे पास वो खत्म हो जाता है। अच्छा एक चीज बताऊं, अगर आपने प्लस वन के बच्चे मैथमेटिक्स की है तो आप में से किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन किया है कि 1 रुपए के सिक्के को अपनी आई से कितनी दूर रखो कि पूरा का पूरा फुल मून जो है ढक जाए? किया किसी बच्चे ने क्वेश्चन? किसी बच्चे ने प्लस वन के मैथ्स में ये क्वेश्चन किया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया था। ज्ञान तुमने किया, देवेश किया, कि 1 रुपए का सिक्का अपनी आई से आप कितनी दूर रखो, कितने पास रखो कि वो जो मून है आपके पास वो पूरा का पूरा ढक जाए? किया किसी ने क्वेश्चन ये वाला? नो सर। नहीं किया। करना बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई के अंदर, आप ढूंढने लग जाओगे इसको। तो दूर रखे, देखो ना, ऐसे तो ढका जाएगा आपके पास, हाँ या ना? मैंने तो हिंट भी दे दिया, यानी कि जब मून का और उस सिक्के का विजुअल एंगल आपकी आंखों पे सेम बनेगा तब आपको दोनों का साइज क्या नजर आएगा? सेम नजर आएगा। आई बात समझ में? तो हमारी आंखों के अंदर एक विजुअल एंगल तैयार होता है। अब बच्चे हमारे पास मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बन सकता है?
जरा सोच के देखे बच्चे, हमारे पास मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बन सकता है? तो आप ये पूछोगे, सर हमारे पास मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बन सकता है? पता है किसी बच्चे को इसके बारे में? क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। मैक्सिमम विजुअल एंगल तब बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से कितनी दूर हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। ये पता है आपको, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। पता है इस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? इस 25 मीटर के डिस्टेंस को आप बोलते हो द डिस्टेंस ऑफ, आपके पास क्या आ जाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा एक काम करके देखो, आपके पास अगर कोई भी कॉपी या किताब है उसको यहाँ पर अपने आंखों के सामने लेके आओ, कुछ नजर आता है? बिल्कुल पास लेके आ जाओ, कुछ नजर आता है? जब आप इसको 25 सेंटीमीटर दूर लेके जाते हो तो बच्चे आपको नजर आता है, अच्छा ये तो हम इस चीज को देख रहे थे। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने नाक के बिल्कुल पास लगा दो, आप क्या देख पा रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस वक्त नो डाउट वो ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल क्लोज है, पर हमारा माइंड बच्चे वहां पर काम करना भूल जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखा जाए तो उसका एंगल जो आपके पास होता है वो हमारे पास मैक्सिमम विजुअल एंगल होता है। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम विजुअल एंगल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अवर आईज। लेकिन एक और बात बताऊं बच्चे, इस वक्त बच्चा हमारी आंखों में बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन आता है। क्या आता है बच्चे? मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन। हमारी आंखें बहुत दुखती हैं बच्चे। यहां से मैं आपको बात बताता हूँ दो चीजें। जब हम छोटे होते थे सातवीं आठवीं क्लास में, तो हमारे एक वो होता ना कि यार मेरे को चश्मा नहीं लगा, कि बच्चे पता नहीं अब आप करते हो, हमारे टाइम पे बड़ा क्रेज होता है यार चश्मा नहीं लगा, चश्मा नहीं लगा। तो फिर एक हमारे बच्चा आता कहता नाक के पास रख के किताब पढ़, चश्मा लग जाएगा, रीजन। और दूसरी बात बच्चे, जो बारीक काम करते हैं, जैसे बच्चा आपके पास सुई धागे का काम करते हैं, बहुत क्लोज काम करते हैं, जैसे वॉच की रिपेयर करते हैं, कभी आपने देखा उनको चश्मा बड़ी जल्दी लग जाता है, उनकी आंखों में स्ट्रेन बड़ी जल्दी पड़ता है। अगर आप किसी चीज को लगातार पास से देखते रहे तो आपको लगता है सरदर्द होने लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन आ जाता है हमारे दिमाग के अंदर बच्चे, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। नो डाउट ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है, बहुत बढ़िया है, आपको चीजें बच्चे बहुत अच्छी नजर आ सकती हैं, लेकिन हमारी आंखें, तभी तो बच्चे धागा डालने के लिए आप बच्चे जो सुई होती है धागा डालने के लिए बिल्कुल क्लोज लेके आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका विजुअल एंगल बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी आंखों पे स्ट्रेन आता है तो हम यहां पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये पहली बात हमको समझ में आनी चाहिए, ये पहली चीज कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज अब हमें पता लगेगा कि मुझे अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए और कैसे चाहिए और मैं कैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को तैयार करता हूं। हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बच्चा हमारे पास क्या है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप। द सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये मेरे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है which help us to see the माइक्रोस्कोपिक आपके पास क्या आ जाती है, which help us to see the माइक्रोस्कोपिक आपके पास ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या बच्चे, This is nothing but a convex lens, ये मेरे पास एक convex lens है। कौन सा convex lens? Of very short focal length, और दूसरी बात और सबसे important बात, This simple microscope is held, against our eyes, या फिर held near to the eyes, this is held near to the eyes, हम बिल्कुल आंखों के बिल्कुल पास रखते हैं, held near to eyes to observe the image, to observe the virtual image, to observe the
वर्चुअल इमेज, ताकि हम वर्चुअल इमेज देख सके जो कि आपके पास मैग्निफाइड। अब मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे ने क्रैक्स खाए हो तो कुछ टाइम पहले क्रैक्स में से मैग्नीफाइंग ग्लास निकलता था, याद है किसी बच्चे को? याद है किसी बच्चे को? छोटे होते हुए जो आपने क्रैक्स खाए हुए उससे बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास निकलता था, देखा कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को? आया ना, किसी बच्चे को पता है मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है? ऐसा होता है, कभी देखा है इसको? ऐसा स्किन पे नजर आ रहा है, आया ना? ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, नजर आ रहा है आपको कि यहां पर मैं जहां जहां पर इस लेंस को घुमा रहा हूं तो उसकी इमेज मुझे मैग्नीफाइड नजर आ रही है। ये मैग्नीफाइड इमेज वर्चुअल है, और ये मैग्नीफाइड इमेज हमारे पास किसकी वजह से बन रही है? कन्वेक्स आपके पास लेंस की वजह से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज देख पाते हैं, मैग्नीफाइड इमेज को हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस, तो सॉरी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है? तो ये एक रेशियो होती है, या मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर है। दिस इज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, द विजुअल एंगल ऑफ द इमेज आपके पास फॉर्म्ड ऑन द आई formed on the eye and divided by the visual angle of the object formed on the eye, the visual angle of the object formed on the eye। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? नंबर वन, ये बच्चा हमारे पास एडेड है, यानी कि इसके अंदर हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे पास है अनएडेड। अनएडेड का मतलब बच्चे यहां पर हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, यहां पर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखा। ये देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखा, ये 25 सेंटीमीटर मैंने अपनी आई से इसको दूर रखा। से मैं अपनी आई से इसको देख रहा हूं, मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं यहां पर देख रहा हूं। तो बच्चा हमने इसको जब यहां पर ऑब्जर्व किया, मैंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसका विजुअल एंगल मेरी आंखों पर कितना बन गया बच्चे आपके पास? मान लिया जाए अल्फा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास किसके बराबर है? एच नॉट के बराबर। तो यहां पर आपका विजुअल एंगल टेंजेंट ऑफ अल्फा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू अल्फा। ये मेरे पास क्या है? एच नॉट बाई टी। नाउ दिस इज द, आपके पास क्या आ जाएगा? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो कि फॉर्म कर रहा है बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आई when the object is at d is equal to 25 सेंटीमीटर। तो ये एंगल मेरे पास आपके पास अल्फा है, और मैं अपनी आईज में किसी किस्म का ना कोई चश्मा लगा रहा हूं, ना गोगल्स लगा रहा हूं, ना टेलीस्कोप यूज कर रहा हूं, ना माइक्रोस्कोप। मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं? ध्यान से समझो, ये मेरे सामने का ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, और मैं इस पेन को अपने से 25 सेंटीमीटर दूर रखकर देख रहा हूं कि इसकी मेरी आईज के ऊपर क्या विजुअल एंगल बन रहा है, मुझे यह ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आ रहा है। फिर हमारे पास, अब ध्यान से समझना, विजुअल एंगल ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई। अब ये कैसे बनेगा?
और यहां पर याद रखना इमेज भी पता है कहां पर बननी चाहिए, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर ही बननी चाहिए। तो बड़ा कमाल का चीज है। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और यही आपके पास जो है आपके बायोलॉजी के लैब के अंदर आपको यही सिखाया जाता है, किसी स्पेसिमन को देखना कैसे, किसी स्पेसिमन को समझना कैसे। तो ध्यान से समझिए बच्चे, मेरे को यहां पर अब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस आ गया, ये कन्वेक्स लेंस आ गया, और ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ध्यान से समझिए, ध्यान से, और मेरे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास यहां पर एक, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बच्चे, ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ आ गया बच्चे। अब मुझे जो इसकी इमेज चाहिए, वर्चुअल चाहिए, एनलार्ज चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे मुझे क्या चाहिए, यहां पर इसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पे भी होनी चाहिए। तो बताओ अगर मैं वर्चुअल इमेज चाहता हूं तो मुझे इसको कहां पे रखना पड़ेगा, मुझे बताओ इसको कहां पे रखना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्चुअल और एनलार्ज इमेज के लिए उसको कहां पे रखना पड़ता है, बताओ शाबाश कहां पे रखना पड़ता है। अरे बोलो ना बच्चे कहां पे रखना पड़ता है, तो आप बोलोगे सर इसको इस लेंस के आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख, ये हम कल कर चुके हैं, ये हमें 10th क्लास से पता कि ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और यही कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है, यही मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, और ये अब मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करना चाहता है, ये इसकी इमेज को तैयार करना चाहता है। और हमको इमेज क्या चाहिए, वर्चुअल चाहिए, एनलार्ज चाहिए, मैग्निफाइड चाहिए, इरेक्ट चाहिए बच्चे, और साथ ही साथ 25 सेंटीमीटर पे चाहिए, क्योंकि उस वक्त विजुअल एंगल बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है मुझे 25 सेंटीमीटर पे क्यों चाहिए, क्योंकि विजुअल एंगल बहुत बड़ा होता है। तो यहां से मेरे पास लाइट यहां पर जाएगी, तो ये लाइट यहां पर फोकस में से निकल जाएगी, लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से गई यहां कहीं पे निकल जाएगी, यहां से लाइट बच्चे इंफिनिटी की तरफ को जाएगी तो डाइवर्ज कर जाएगी, इस वजह से हम इसकी इमेज को कहां पर तैयार कर देते हैं, बोलो शाबाश हम इसके इमेज को कहां पर तैयार कर देते हैं, हम इसके इमेज को यहां कहीं पर तैयार कर देते हैं। ये हमको खुद एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बच्चे बार बार, और ये बन गया हमारे पास इमेज। ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट किसके बराबर है, h नॉट, तो अब इमेज की हाइट मेरे पास किसके बराबर है, h है। सपोज कि ये मेरे पास यहां से कितनी दूरी के ऊपर है बच्चे, सपोज कि ये मेरे पास u नॉट डिस्टेंस पे, और मेरे पास ये जो अब आपकी इमेज है, अब बताओ ये कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए, शाबाश बताओ ये मेरे पास कैपिटल डी पे बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास 25 सेंटीमीटर पे, अब हमारी आईज कहां पर है बच्चे, हमारी आईज यहां पर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पीछे मैं नहीं देख सकता, मतलब कि उससे क्लोज आ जाएगा तो मेरे को समझ ही, मैं कंफ्यूज हो जाएगा मेरे माइंड। तो इस वजह से अब जो हमारी आईज है वो अब ये इमेज यहां देख रही है, और ये एंगल अब जो उसको नजर आ रहा है वो बीटा के बराबर, अब ये बीटा के बराबर, देखो ये बीटा, मैं यहां पर इसको नाम ले लेता हूं पी, और ये क्यू, और ये मेरे पास यहां पर ओ आ गया। इस ट्रायंगल के अंदर पी ओ और क्यू के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर विजुअल एंगल ऑफ इमेज किसके बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश, तो विजुअल एंगल ऑफ द इमेज जल्दी बोलो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एडेड आई है, यानी कि हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, ये मेरे पास आ गया टेंजेंट बीटा और अप्रोक्सीमेटली बीटा, और ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, हाइट ऑफ द इमेज, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, और डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया कैपिटल डी, हाइट ऑफ इमेज कैपिटल डी। अब बच्चा बोलता है कि सर इसको कंपेयर कैसे करें, यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास यहां पर अल्फा भी है, अल्फा किसके बराबर है, एच नॉट बाई डी, ये भी चीज है, तो ये एच नॉट बाई डी है, और ये बच्चा हमारे पास यहां पर किसके बराबर आ गया, एच आई बाई डी। इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ को लेके चला जाऊं, यहां पर देखिए सब बच्चे, यहां पर देखिए इसको, अगर मैं इसको यहां पर जोड़ देता हूं तो बताओ ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, शाबाश बता दो,
ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ये लेंथ भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, एच नॉट के बराबर, ये लेंथ भी एच नॉट के बराबर हो जाएगी। और यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं तो आपको ऊपर वाली फिगर यहां पर नजर आ जाएगी। और ये देखो बच्चे, अब बताओ एंगल अल्फा बड़ा के एंगल बीटा बड़ा साफ नजर आ जाएगा, एंगल अल्फा बड़ा के एंगल बीटा बड़ा, जरा देख के बताओ एंगल अल्फा बड़ा या फिर एंगल बीटा बड़ा, शाबाश बोलो, एंगल अल्फा बड़ा या एंगल बीटा बड़ा, सोच के बताओ बच्चे। तो एंगल बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा, यही चीज बच्चे हम यहाँ पर सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। विजुअल, ये लेंस क्या कर रहा है, उसके विजुअल एंगल को बड़ा कर रहा है, वो जो छोटी सी चीज है उसके विजुअल एंगल को बड़ा कर रहा है, यानी कि अब वो चीज हमको हमारी आंखों पे ठीक ठाक इमेज बनाएगी, मैग्निफाइड इमेज बनाएगी। जो चीज जिसका साइज बहुत छोटा है, जो बहुत छोटा विजुअल एंगल बना रहा है, हम एक लेंस को यूज करके उसका विजुअल एंगल बड़ा बना रहे हैं अपनी आईज के अंदर से। एक और काम कर सकते हैं, अगर आप देखें यहां पर मैं एक और ट्राइंगल आपको देखने को बोलता हूं, इसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखें ये पी डैश और बच्चे यहां पर क्यू डैश कर, अगर मैं यहां पर एक और ट्राइंगल ले लेता हूं बच्चे पी डैश और क्यू डैश और ओ, इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ बीटा तो यहां पर भी आ सकता है, बताओ क्या आ जाएगा, पी डैश क्यू डैश और ओ, परपेंडिकुलर एच नॉट और बेस यू नॉट, तो ये बच्चा हमारे पास एच नॉट आ जाएगा और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास आ जाएगा यू। तो ये मेरे पास यहां पर आगे पहली स्टेटमेंट फर्स्ट, और ये बच्चे मेरे पास आगे दूसरी स्टेटमेंट। अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या है, सिंपल क्या था और क्या बन गया, अल्फा था बीटा बना दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर अब मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, सो वी हैव द मैग्नीफाइंग पावर, यहां पर इसके मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी बीटा अपॉन अल्फा, तो हमारे पास आ गया एच नॉट अपॉन यू नॉट, और बच्चा हमारे पास डिवाइडेड बाय एच नॉट और यहां पर डी, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और आपके पास आज का पहला कॉन्सेप्ट बच्चे आपके पास आ गया। और आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी लेंस की किसके बराबर हो जाती है, दिस इज अ डी डिवाइडेड बाय यू, दिस इज अ डी डिवाइडेड बाय यू, आपके मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है बच्चे, दिस इज अ डी डिवाइडेड बाय यू, डी डिवाइडेड बाय यू, डी डिवाइडेड बाय यू, दिमाग में रख लेना। अब हमारे पास यहां पर दो केसेस टीचर आपसे पूछेगा, एक हमारे पास यहां पर वो ये पूछेगा द मैग्नीफाइंग पावर, नंबर वन केस द मैग्नीफाइंग पावर, आपके पास मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि आपकी इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी आपके पास, आपकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, और इसको बच्चे हम स्ट्रेन्ड व्यू भी बोल देते हैं। ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेन्ड है, ये आपका स्ट्रेन्ड आई व्यू, इसमें हमारी आंखों को बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए हम यूज कर देंगे लेंस फॉर्मूला। मेरे पास लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1 अपॉन यू, तो ये माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यू, क्योंकि मैं इमेज को बना रहा हूं एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो फाइनल इमेज माइनस डी पे बननी चाहिए, इज इक्वल टू 1 बाय एफ। अब मेरे पास यहां पर क्या चीज आ गई, इसको आप यू नॉट भी कर सकते हैं, दिस इज कैन बी यू नॉट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू नॉट माइनस 1 बाय डी माइनस आपके पास 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाई डी, दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताओ क्या चीज आ जाएगी। जैसे आप दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, डी अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू डी और वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। अगर देखा जाए तो ये मैग्नीफाइंग पावर है और ये मैग्नीफाइंग पावर स्पेशल केस की है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डी अंदर चला जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस ऑफ डी बाई एफ। ये पहला फॉर्मूला आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला फॉर्मूला। और इसके बाद हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। जब फाइनल इमेज हमारे पास फॉर्म होगी कहां पर, एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी तो मतलब v इज इक्वल टू इंफिनिटी। याद रखना इसको हम नॉर्मल विजन भी बोल देते हैं। नॉर्मल विजन क्यों बच्चे, क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो इंफिनिटी तक दे सकती है। इसको कई टीचर मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स्ड आई भी बोल देती है, कि हमारी आईज रिलैक्स हो जाती है। अगेन अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हमारे पास यहां पर इसमें से फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, 1/∞ - 1/u0 ये भी माइनस आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/u0 इज इक्वल टू 1/f। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई डी, दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। और मेरे पास यहां पर बताओ मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स आई, तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगी, डी बाई एफ। ये हमारे पास डी बाई एफ, ये हमारे पास डी बाई एफ। और हमारे पास दूसरी मैग्नीफाइंग पावर जिसमें हमारी आई स्ट्रेन रहती है, वो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है, 1 + d/f। दूसरी मैग्नीफाइंग पावर है 1 + d/f, और ये बच्चे हमारे पास है d/f, ये 1 + d/f, ये d/f। बताओ किसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, स्ट्रेन्ड आई की ज्यादा है या फिर बच्चे रिलैक्स्ड आई की ज्यादा, किसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, 1 + d/f या df, बड़ा कौन सा हुआ, कोई बच्चा बताए, 1 + df। तो मैग्नीफाइंग पावर जो स्ट्रेन्ड आई की होती है वो बच्चा हमारे पास ग्रेटर देन होती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई। लेकिन फिर भी बच्चे हम इसको प्रेफर करते हैं, हम दूसरे को प्रेफर नहीं करते, नो डाउट ये बेस्ट मैग्नीफिकेशन है, लेकिन हम प्रेफर नीचे वाले को करते हैं। रीजन बच्चे, रीजन क्या माना जा सकता है, लेस स्ट्रेन ऑन आई, हमारी आंखों पे बहुत बहुत कम स्ट्रेन पड़ता है और इस वजह से हम इस विजन पे जाना चाहते हैं। तो दो फॉर्मूले आपको भी याद करना पड़ेंगे, 1 + d/f, डी कितना है 25 सेंटीमीटर, और d/f जो कि बच्चा हमारे पास रिलैक्स्ड आई के लिए जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। क्वेश्चन क्या मुश्किल आते हैं, अरे यार इतने आसान क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखे होंगे बच्चे, क्या आप इसके क्वेश्चन ही ना कर पाए। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, दोनों निकाल दीजिए, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर फॉर द कन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ, जिसकी फोकल लेंथ बच्चा हमारे पास है आपके पास 50 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ है आपके पास 50 सेंटीमीटर। निकालो बच्चे, तो अगर आप स्ट्रेन्ड आई के लिए निकालना चाहते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ, 1 + d/f, 1 + 25/50,
तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी हाफ, तो वन प्लस ऑफ हाफ या फिर बच्चे 3/2 या फिर बच्चे 1.5x। याद रखना कई बच्चे गलती करते हैं, इसकी यूनिट एक्स होती है मैग्नीफाइंग पावर की। और मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई या इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी कौन बच्चा बता, 0.5। हालांकि बच्चे ये हमारे पास 0.5x है करके, हालांकि ये कम है फिर भी हम इसको प्रेफर करते हैं। और रीजन क्या है बच्चे, हमारी आंखें तो बच जाती है। चलिए सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम, हाँ बोलो बोलो सर, हमको कौन सी लिखनी है अगर हमको पूछे, ऊपर वाली? नहीं, हमको दोनों लिखनी है, हमको दोनों लिखनी है, ठीक है, हमको